मिलने वाली कुछ ही ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम व्यक्ति की लत से छुटकारा पा सकते हैं, व्यक्ति की लत को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं और इस लत से हमेशा के लिए दूरी बनाकर शराब को हमेशा के लिए अपने आप से, अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपको करना क्या है जिससे कि व्यक्ति की लत छूटे और व्यक्ति हमेशा के लिए शराब छोड़ दे, कभी भी शराब ना पिए। दोस्तों अब आपको करना क्या है, एक ग्लास पानी लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक ग्लास आप पानी ले लीजिए और वहीं दोस्तों एक खाली बॉल में आप इसे एक ग्लास पानी को डालकर गैस पर रख दीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए। ये पानी जब तक गर्म होता है यानी कि उसे गर्म होने दीजिए, तब तक आपको क्या क्या लेना है आइए जानते हैं। दोस्तों सरसों, सरसों तो आप और हम सभी के घर में होती है, सरसों का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों सरसों और सेकंड है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग भी आप और हम सभी के घर में होता है, लौंग का इस्तेमाल भी यहाँ पर करना है। अब पानी जब तक बॉयल होता है हमें आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या क्या डालना है। जी हाँ दोस्तों, सरसों आपको एक चम्मच डालनी है। जी हाँ दोस्तों, सरसों अपने आप में एक फ़ायदेमंद है, आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है, तो आप देख लीजिएगा हम एक चम्मच इसमें सरसों डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चम्मच आप इसमें सरसों डाल दीजिए। वहीं आपको दोस्तों आप देख लीजिए पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है, वहीं आपको दो से तीन लौंग आपको यहाँ पर डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, दो से तीन लौंग डाल देना है, इस पानी को अच्छे से बॉयल होने देना है। कब तक बॉयल होने देना है, तब तक कि ये आधा ना हो जाए। हमने एक गिलास पानी लिया है, इस पानी को तब तक आप बॉयल कर लीजिए तब तक कि ये आधा ना हो जाए। आधा ग्लास जब ये पानी बच जाएगा, जी हाँ आप इसमें दोस्तों आपको नींबू के गोल स्लाइस भी डालना है और चुटकी भर इसमें आपको सॉल्ट यानी कि नमक डालना है। वही नींबू के गोल स्लाइस कर आप डाल दीजिए, इसे अच्छे से बॉयल होने दीजिए, अच्छे से आप इसे उबलने दीजिए। आप देख सकते हैं अच्छे से उबल जाएगा। तो इस पानी को आपको करना क्या है, अब हम आपको दिखा देते हैं। इस पानी को, इस गैस को हम बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसे दोस्तों आपको छान लेना है और इस प्रकार से ग्लास में आपको दोस्तों डाल लेना है। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका, थोड़ा सा पीलापन पे हमारा वो आ चुका है। और आप देख सकते हैं सरसों भी फूल कर बड़ी हो चुकी है, यानी कि इसका जो अर्क है वो पानी में मिल चुका है। इस पानी को अगर आप शराबी को सेवन कराएंगे तो इससे फ़ायदा होगा, व्यक्ति की जो लत है वो समाप्त होगी और व्यक्ति शराब छोड़ देगा। उम्मीद, जी हाँ ये बिल्कुल रियल नुस्खा है। इससे 5 रुपए के इस्तेमाल से आप व्यक्ति की लत से छुटकारा दिला सकते हैं, व्यक्ति की लत से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि व्यक्ति की लत छूट पाए और व्यक्ति हमेशा के लिए शराब छोड़ दे, कभी भी शराब ना पिए। दोस्तों शराब में निकोटीन एल्कोहल और एसिड की मात्रा जब इतनी अधिक होती है उसकी वजह से व्यक्ति की जो लत है वो छूट नहीं पाती, व्यक्ति की लत दिन व दिन बढ़ती जाती है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि व्यक्ति की लत छूटे और व्यक्ति हमेशा के लिए शराब छोड़ दे, कभी भी शराब ना पिए। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, घर से मिलने वाली कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम व्यक्ति की लत से छुटकारा पा सकते हैं, व्यक्ति की लत को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपको करना क्या है। दोस्तों फिटकरी, आपको करना क्या है, शराबी व्यक्ति की शराब की जो बोतल या फिर उसका ग्लास है उसमें अगर आप फिटकरी का छोटा सा चने बराबर टुकड़ा डाल देते हैं तो उससे व्यक्ति अपनी लत छोड़ने पर मजबूर होगा। जब वो फिटकरी वाली दारू पीता है उसे वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होगी। जब उसे उल्टी होगी तो धीरे धीरे कर कुछ दिन जब लगातार वो उल्टी करेगा तो वह सोचेगा कि आखिर शराब जब मैं पीता हूँ मुझे उल्टी क्यों हो रही है। तो कुछ दिन जब वो पिएगा फिर सोचेगा तो धीरे धीरे कर उसकी लत है वो अपने आप छूटने लगेगी।
तो दोस्तों ये बिल्कुल आजमाया नुस्खा है, आप इसे ज़रूर अपनाएं और रोज़ सुबह उसे आप नींबू पानी दे, उसमें चीनी बिल्कुल ना डालें, उस एक गिलास पानी में नींबू डालें और थोड़ा सेंधा नमक डालकर उसे पीने के लिए दें। ऐसा करने से उसके शरीर में जो साइड इफ़ेक्ट हुए धीरे धीरे कर वो ठीक होंगे। तो उम्मीद करती हैं और आशा करती हैं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।